गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस आज है फाइनली डे, हम लोग जा रहे हैं, मैं आज जोशी जी पोर्तगल। तो मुझे लगा कि कुछ ब्लॉग्स बना के आपके लिए रखूं। तो प्लीज़ ये जो 4 से 5 दिन की जो जर्नी है, इट्स अ वेरी गोइंग टू बी वेरी एडवेंचरस। तो स्टे विद अस। सुबह के 6 बजे सिर्फ याशी उठी और मैं उठी हूँ, और लेट्स स्टार्ट। तो चलिए जी, सुबह का टाइम है, सबसे पहले बच्चों के स्कूल का टाइम है, तो ऑब्वियसली माँ का फर्ज। ओके, तो बच्चे रेडी हो गए हैं, याची रेडी हो गई है, मेरा टाइम है चलो सुबह नाश्ता बनाने का। याची ऑलरेडी अपना नाश्ता खुद बना लेती है। एनीवे, तो मैंने बनाया है पोहा, कोई तड़का वड़का माँ के जैसे नॉर्मल बनता है सेम। तो मैंने फटाफट बच्चों के लिए, लकी को तो पोहा पसंद नहीं है, तो स्पेशली पोहा खाते मैं, जोशी जी और कुकी। तो मेरे फटाफट सुबह उठी, मैं उठ गई थी ऑलमोस्ट 5:30-6 बजे। एनीवे 6 बजे उठी थी मैं। ओके, उसके बाद मेरे प्यारे बेटा, हमारा बच्चा सहज, इसको पोहा बहुत पसंद है, हमारा देसी बच्चा है ना, बस सुबह सुबह बच्चों पे ज़्यादा लड़ आता है ना। मैंने कहा चलो पहले बच्चों को खिलाया जाए खाना, तो सहज के लिए मैंने बना दिया पोहा। ओह माय गॉड, एनीवे नेवर माइंड। सो बहुत एक्साइटेड है, तो सुबह का काम जो है वो तो करना ही है। बच्चों के मैंने सारे कपड़े उपड़े सब रेडी कर दिए हैं। यहाँ पे लकी बड़ी है, उसने दूध ले लिया, ब्रेड ले लिया, उसके लिए बना दिया मैंने। याची ऑलरेडी ब्रेकफास्ट कर चुकी है, तो मैंने कहा बच्चों के साथ हम भी नाश्ता कर ले, है ना, साथ में बच्चों के मैंने कपड़े वपड़े जितने भी स्कूल के हैं और जो भी बच्चों का जो अपना जो भी रूटीन है घर के कपड़े सब मैंने पैक कर दिए हैं। और यहाँ पर मैंने ना कभी नहीं घूमती हूँ, ये है मेरा प्यारा ट्रिप। देखिए गाइस, अगर आप अपने फैट को लॉस करना चाहते हो, जो ट्रिम है ये, ओह माय गॉड दिस इज़ अमेजिंग। तो मैं खाने से पहले एक चम्मच लेती हूँ 15 मिनट, ठीक है, तो वो मेरा रूटीन है। एनीवे नेवर माइंड, तो यहाँ पे मैं भी नाश्ता कर रही हूँ साथ में, और जोशी जी अपना ट्रिप ले रहे हैं, और हमारा ग्रुप लकी। ओह माय गॉड, ये बड़ा एक्साइटेड होता है जैसे कैमरा होता है ना। मेरे मम्मी पे गया है, एक्टिवेट हो जाता है। अरे देखो, नाश्ता भी कर रहा है और बस चलो एनीवे कोई बात नहीं, जोशी जी ने अपना ले लिया है ट्रिम, और उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना नाश्ता। एनीवे नेवर माइंड, ओके लेट्स गो अगेन। ओके, यहाँ पे हमारा हो रहा है नाश्ता, वही सेम पोहे, और बच्चे खेल रहे हैं इधर उधर, उनको थोड़ा बहुत डांटना पड़ता है, रेडी हो जाओ रेडी हो जाओ रेडी हो जाओ। फाइनली बच्चे बोल रहे हैं मम्मी डैडी आप इन्जॉय करो अपनी ट्रिप, और बच्चे जा रहे हैं स्कूल। तो मैंने कहा चलो भैया हगी किसी करें फटाफट, बच्चों को अपने प्यारे प्यारे बच्चों को। एक्चुअली मेरे बच्चे ना बड़े ब्रेव है भैया, है ना, क्योंकि माँ बाप इतना घूमते हैं कि अब वो उनको भी लगता है कि चलो कोई नहीं, 2-4 दिन की बात है, इट्स फाइन। तो बच्चे गए स्कूल, और यहाँ पे जो हमारी पैकिंग हो चुकी थी, फाइनल पैकिंग, यस नाउ सारा का सारा सामान हमने पूरा का पूरा अपना गाड़ी में डाल दिया है ना, सारा का सारा, क्योंकि हम जो गाड़ी है वही पार्क करने वाले हैं। तो ये मैंने अपना घर का दरवाज़ा किया बंद, और उसके बाद हम निकल पड़े अपने सफ़र के लिए। लो शुरू सफ़र हो गया, समथिंग जो भी गाना है तो हमने गा लिया, और लेट्स स्टार्ट आवर ट्रैवलिंग, है ना। तो देखिए यहाँ पे हम ऑल द वे लंदन से अपना जो हमारा है पूरा जो गेटविक एयरपोर्ट से हम निकले हैं, और बहुत ही अच्छा मस्त, देखो मस्त सुहाना मौसम था, नाइस वेदर। और यहाँ पे सबसे पहले हमने पार्किंग ली है, वो हमने एयरपोर्ट पे ना लेके उसके नियर बाय ली है, क्योंकि वो सस्ती भी पड़ती है और हम यूज़ टू भी है काफ़ी 2-3 साल से। देखिए प्लेन जा रहा है सामने से ऊपर से, तो यहाँ पे जो हम पार्किंग करते हैं गाड़ी, ये ऑटोमेटिकली अपने आप ले जाएगा। हमने खड़े कर दिए पार्किंग, हमने यहाँ ऑफिस में आ गए पार्किंग की, वहाँ पे उसने हमें वो भी रिसीट वगैरह दी, और सामने देखो आप देखो एक बस खड़ी हुई है, यस। तो ये बस पिकअप करके हम लोगों को ले जाएगी एयरपोर्ट, ये शटल, इसको शटल भी बोलते हैं आई थिंक या समथिंग लाइक दैट। तो स्पेशली हम लोगों के लिए बने, क्योंकि हमने गाड़ी का पे किया है तो उसमें इंक्लूड होती है ना। तो यहाँ पे हमने अपना सामान, ये पर्पल पार्किंग है, ये यहाँ से अब जा रहे हैं हम सीधा एयरपोर्ट, यहाँ से भी कम से कम मान के चलो 15-20 मिनट का रास्ता होता है। तो यहाँ पे फाइनली अपने डेस्टिनेशन में पहुँच गए हम लोग, एयरपोर्ट पहुँच गए ये देखिए, और काफ़ी सारे लोग थे हमारे साथ। और एयरपोर्ट में तो हमेशा 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 जहाँ पर ट्रैवलिंग जगह होती है वहाँ पर लोग भरे होते हैं, जनरल बात है, ठीक है। तो यहाँ से हम पहुँच गए एयरपोर्ट, हमने अपना सामान निकाल लिया, और अब कूच कर रहे हैं अभी अपने, ऑब्वियसली पहले तो चेकिंग करनी है, ये देखिए। तो चेकिंग की तो वीडियो मैं नहीं बना पाऊंगी, क्योंकि बिकॉज देयर इज रिस्ट्रिक्शन। तो देखिए हम यहाँ पे फिलहाल एंटर करके, ये देखिए हमारा एयरपोर्ट आ गया है, गैटविक एयरपोर्ट। ओके एनीवे, तो यहाँ पे लिखा है साउथ डब्ल्यू, तो हम जा रहे हैं और यहाँ पे हमने
अंदर पूरा ये काफ़ी लंबा चलना पड़ता है, पर ठीक है तेरे खेल बहुत कुछ फैसिलिटी दी हुई है, बट कोई बात नहीं, चलना बहुत ज़रूरी है। एटलीस्ट हमारे 10,000 स्टेप तो हो जाते हैं यार, मैं यही बोलती हूँ अगर आप एयरपोर्ट जाओगे तो। ओके एनीवे, हमने पूरा अपना ये देखी चेक इन सब कुछ कर लिया है, और उसके बाद यहाँ पे ना शॉप्स आती है। जी हाँ शॉप्स, तो मुझे यहाँ पे बहुत सारे सैम्पल्स रखे थे परफ्यूम के, तो मैं तो लगा सारे टेस्ट कर ले। जोशी जी बोले वाह जी वाह, इसको इसको सिर्फ हाथ पे लगाना। मैंने कहा अरे भैया लगाया ना, रखे है ना, पूरी बॉडी पे लगाओ, फुल कपड़ों पे लगाओ। मैंने तो बहुत भैया बहुत यूज़ किया, मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। फिर उसके बाद भूख लगी तो मैंने कहा चलो कुछ खाने के लिए लिया जाए, तो हम लोगों ने कुछ रैप ले लिए और ड्रिंक्स ले लिए, बिकॉज ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट 2 घंटे की है तो देर इज़ नो पॉइंट है ना, और ऑलरेडी यहाँ पे 3 बज चुके हैं। तो मैं खा पी के हम लोग अब हमारे देखो चेकिंग का, खाने पीने के बाद हम लोग अपना जो गेट नंबर है वहाँ पे जा रहे हैं। और यस ये देखो यहाँ तो हमेशा ही भीड़ रहती है, नहीं वे एयरपोर्ट इज़ ऑलवेज रश, बट मुझे पर्सनली हीट थ्रोस एयरपोर्ट ज़्यादा पसंद है क्योंकि वहाँ का माहौल अलग है। एनीवे टाइम ऑलमोस्ट हो गया है, देखिए प्लेन खड़े हैं, ये हमारा नहीं है, ये तो मैं दिखा रही हूँ आपको, हमारा प्लेन अदर साइड में खड़ा हुआ है, ये देखिए। तो यहाँ पे हम निकल पड़े अपने प्लेन की तरफ, तो यहाँ मैंने शूटिंग स्टार्ट कर दी, यहाँ पे इतनी रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। तो यस देखिए यहाँ पे पूरा प्लेन अपना लोकल प्लेन है, तो यहाँ पे 3 सीटें इस तरफ, 3 सीटें इस तरफ, और बस नॉर्मल प्लेन है ये, क्योंकि ये अपना यूरो यूके यूरोप से भी होता है ना, तो लोकल ही है। ओके तो एनीवे हमारे पास एक बुरा बंदा बैठा था, उसे मैंने शक्ल दिखाई, काफ़ी हेल्दी एंड काफ़ी लंबे चौड़े शक्ल, पर एनीवे हमारी जो फ्लाइट है वो कर रही है टेक ऑफ। यस देखो यस, अब मेरे वर्ड में मिक्सअप कर देती हूँ, तो कहती हूँ मैंने क्या बोला क्या, ये देखो बादल बादल है यहाँ पर जो होते हैं, आसमान में जाओगे तो बादल नॉर्मल है। बस अभी 2 घंटे बीत गए हमारे, ठीक है उसके बाद हमने क्या करना है, लैंड भैया लैंड। तो फ्लाइट लेट थी ऑलरेडी 45 मिनट्स, तो हमने ऑलमोस्ट 7:10 पे पोर्टुगल के टाइम पे हमने लैंड किया, ठीक है। और उसके बाद निकल लिए यहाँ से भैया, टाटा बाबा थैंक यू बोला हमने इन सबको कि भैया सही सलामत छोड़ने के लिए धन्यवाद, और हम यहाँ से निकल पड़े, फिर मिलेंगे चलते चलते। ओके सामान ले लिया अपना, यस एज यूजुअल उधर लेना ही पड़ेगा ना, सिक्योरिटी फिनिश करने के बाद, स्टैंप लगाने के बाद। ओके तो नाउ दिस इज द एक्साइटिंग पार्ट, वी आर इन पोर्टुगल, ये और हमें यहाँ पे मुंडेर की टीम लेने आई है। ओ माय गॉड सो एक्साइटेड, सो ब्लेस्ड कि भाई इतना रॉयल ट्रीटमेंट, हाँ पिक्चर है बाकी मेरे दोस्त। ओके तो यहाँ पे आप पहले तो वेदर देखो, नेचर देखो, सीधा वेदर, 8 बज रहे हैं लिटरली, रात के 8 बजे सूरज देखो सर पे चढ़ा हुआ है, और यूके में थोड़ी ठंड है, और पोर्टुगल का वेदर जबरदस्त है यार, जबरदस्त, आई जस्ट लव इट। देखो ये देखो, तो हमारी शटल यहाँ, दूसरी शटल हमें लेने आ गई है मुंडेर की तरफ से, हमारी कंपनी की तरफ से, तो हम 2-4 बेचारे लोग बचे हुए थे, तो बस हमें लेने आई है, कोई बात नहीं, हम 9 बजे पहुँचते, हमें 9 बजे लेने आती है ना, चलो एनीवे। तो यहाँ पे हमने नज़ारों के मज़े लिए, पोर्टुगल इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैं पहली बार आई हूँ तो मैं अपने एक्सपीरियंस से अभी सिर्फ 2-3 घंटे एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, इट इज़ ब्यूटीफुल। देखो या तो इस जगह पे हमें ले गया कि वहाँ ब्यूटीफुल है, खैर एनीवे यूरोप पूरा ब्यूटीफुल है। एंड यहाँ से हमारा 45 मिनट का रास्ता था एयरपोर्ट से हमारे होटल का, ठीक है। और ये देखिए इतने पेड़ OMG, मज़ा आ गया, मतलब पर्यावरण का पूरा ध्यान रखा जाता है, तो आई जस्ट लव इट। एनीवे ओके तो यहाँ पे ये हमारा होटल का ऑलमोस्ट रास्ता स्टार्ट हो गया, ये देखिए हमारे पूरा जो हमारा रिसॉर्ट होते हैं, एक्चुअली ये बड़े बड़े ये होटल नहीं देते हमको, हमें रिसॉर्ट देते हैं। ओ माय गॉड, मैं मतलब अभी आप आगे देखोगे आप बोलोगे वाह। तो इसी को मतलब पूरे साल की मेहनत, और ये देखिए हमारे बिजनेस पार्टनर मिल गए, अपनी मम को लेके आइए भारतीय संस्कार। ओके एनीवे मैं दिखाती हूँ आपको, ये है हमारा पूरा रिसॉर्ट का फ्रंट व्यू, और ये अंदर हम चले गए, देखिए कितना बड़ा हॉल है, बोलो रिसेप्शन बोलो जो भी आप बोलो, इट्स अ सो ह्यूज, बट एनीवे वी आर यूज्ड टू, क्योंकि हम जब भी जाते हैं ट्रिप पे इतने बड़े रिसॉर्ट तो होते हैं स्पेशली। तो यहाँ पे हम चेक इन कर रहे हैं होटल की, और हमें चाबी वगैरह दे रही है, हमारा नॉट चाबी सॉरी कार्ड देते हैं ना, कार्ड दे रही है। लिफ्ट में चल दिए भैया, बढ़िया लिफ्ट है, बढ़िया लिफ्ट है, पर होटल अंदर जाने के बड़ा सुनसान होता है, एकदम शांति शांति है, यहाँ कुछ पता नहीं चलता। चलो एनीवे अब मैं दिखाती हूँ आपको बेस्ट पार्ट, आपका होटल का रूम, मैं बहुत ज़्यादा बोलते ना आश्चर्य है, बिल्कुल सरप्राइज, बिकॉज वी आर इन टॉप 3, सो हमें रॉयल ट्रीटमेंट मिला है। आओ मैं आपको दिखाती हूँ रूम, तो यहाँ से एंट्री है, एंट्री के सामने ये पूरा रिसेप्शन दिया है, हम लोगों को बोलते हैं ड्राइंग रूम बोलते हो आप, तो 4 चेयर दिए, डिस्कस कर सकते हो अपने बिजनेस के बारे में, एक एक्स्ट्रा सोफा भी रखा है, टीवी भी रखा है, और अब मैं दिखाती हूँ अपना बेडरूम।
ठीक है। तो बेडरूम इज सो मैसिव और यहाँ पे दो व्यू हमको है, तो मुझे तो लगता है मियाँ अभी भी लड़ भी ले ना तो अलग 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 जगह बैठ सकते हैं। ओके तो यहाँ पे इन लोगों ने हमारे बेड के ऊपर एक छोटे चॉकलेट के पीस दिए थे। उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ मेन पार्ट जो लव इट लव इट। तो ये है पूरा अपना बाथरूम साइड में और जिन्होंने पूरा अपना शीशा वीशा अपना पूरा सारा टॉयलेटरीज वगैरह यहाँ पे रखी हुई है। और सबसे अच्छी बात है आई लव द, पता जनरली हम जितने भी होटल में आते हैं वहाँ पे टॉयलेट बाथरूम अटैच होते हैं, बट दिस इज द फर्स्ट टाइम इट्स अ रॉयल ट्रीटमेंट बिकॉज ऑफ टॉप फ्री। बाथरूम अलग है, टॉयलेट अलग है और वो भी एक एक नहीं गाइस, आई शो यू, देयर इज ट्विंस। मतलब ये देखो, एक तो अटैच है हमारे बेडरूम के साथ और दूसरा जो हमारा रिसेप्शन है उसके साथ सेम ट्विन टॉयलेट और बाथरूम है। तो मैंने तो जोशी जी को बोल दिया भैया कोई लड़ाई नहीं कोई झगड़ा नहीं, आप अपने बाथरूम में मैं अपने बाथरूम में। चलो एक और पार्ट दिखाती हूँ, अपनी लॉबी अपना बाहर का सीन दिखाती हूँ कि भैया हमें कितना अच्छा व्यू पर हमें जो हमारा रूम मिला है ज़बरदस्त मिला है यार। इसका व्यू आप देखोगे ना ओ माई गॉड, देखो मैं तो खुद देख के दंग रहेगी कि हाँ, अगर आप सामने देखो सूरज डूब रहा है ना, ये देखो पूरी इसकी रेस देखो, ओ एम जी, सो सो थैंक्स टू भैया मुडेर, आई एम सो ग्रेटफुल कि मैं यहाँ पे घर से बैठ के काम करती हूँ। ओके शाम का टाइम हो गया, काफ़ी लेट हो गए थे, ऑलमोस्ट 10 बज गए, फिर भी सुबह 7 बज गए, खाना खाने के बाद आ गए हैं, शूटिंग नहीं करी, बट एनी वे सब कुछ वहाँ पे लोग खा पी के जा चुके थे। तो उसके बाद हमने थोड़ा बहुत खाया, उसके बाद यहाँ पे रिसेप्शन पे जो होटल का रिसेप्शन है वहाँ पे कोई पॉर्ट गुल गाना चला, तो थोड़ा इंजॉय किया और सब तो कुछ आया नहीं, पर म्यूजिक इज लाइट रोमांटिक सबसे गेट टूगेदर किया। तो जस्ट क्योंकि क्वाइट नाइट टाइम तो मैंने कहा दैट्स फाइन जस्ट इंजॉय इट। फाइनली उसके बाद हम सो खाया, मैंने कहा गई होटल चलो और मैं सो गई। और ये देखो अगर आपको ब्लॉग पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट ब्लॉग में डालने वाली हूँ दोबारा से। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय।